नमस्कार। पिछले कुछ समय से हम कक्षा 9 के लिए भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति अध्याय पर बातचीत कर रहे हैं। गति के दौरान हमने गति क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गति में हम कैसे अंतर कर सकते हैं, गतिमान और स्थिर वस्तुओं में क्या अंतर है, गति के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, और विस्तार से सरल रैखिक गति पर भी बात की कि सरल रैखिक गति क्या है। सरल रैखिक गति में हमने ये समझने का प्रयास किया कि सरल रैखिक गति की परिभाषा क्या है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सरल रैखिक गति के दौरान जो दूरी और विस्थापन जैसी परिभाषाएं या भौतिक राशियां आती हैं वो क्या हैं, उनकी अवधारणा को समझने का हमने प्रयास किया। लेकिन दूरी और विस्थापन में काफी हद तक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कुछ उदाहरणों की सहायता से हमने उन्हें समझने का प्रयास किया था। अभी हम कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करते हुए दूरी और विस्थापन को और व्यापक रूप से समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद आज के अध्याय में हम एक समान गति और असमान गति में अंतर भी स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर गति की दर के मापन पर भी बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने कहा कि पिछले सत्र के बाद हम अब दूरी और विस्थापन को कुछ और उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं कुछ गति के उदाहरण लेते हुए, जिनमें हम अलग-अलग उदाहरणों की सहायता से दूरी और विस्थापन दोनों को की गणना करेंगे और पता करेंगे कि दूरी और विस्थापन में कोई अंतर है या नहीं, और है तो कैसे है और क्यों है। यहाँ पर हम एक वस्तु की गति को देख रहे हैं। वस्तु ए से गति प्रारंभ करती है और चार चरणों में उसकी गति हो रही है। ए से बी तक जाती है, बी से सी तक जाती है, सी से फिर डी तक आती है, और डी के बाद वस्तु फिर पुनः ए पर आ जाती है। इस पूरी गति में चार चरण हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से फिर लौटकर वो ए आ जाती है। हम मान लें कि ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर, बी से सी तक की दूरी 5 किलोमीटर, सी से डी तक की दूरी 10 किलोमीटर, और डी से ए तक की दूरी फिर से 5 किलोमीटर है। तो पूरी गति के दौरान वस्तु ने जो चार चरणों में कुल दूरी तय की, पहले हम उसकी गणना करेंगे और फिर कुल विस्थापन पर बातचीत करेंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या अंतर आया है या नहीं। यहीं पर एक प्रश्न और उठना स्वाभाविक है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी उठाया गया है, कि क्या गति के दौरान, काफी लंबी गति के बाद, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो इसी उदाहरण की सहायता से हम उस प्रश्न का उत्तर भी खोजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, चार चरण हैं। तो चार चरणों में यानी ए से पुनः ए तक की गति के लिए, यहां पे हम देखेंगे विस्थापन। पहले विस्थापन से पहले दूरी की गणना कर लेते हैं। कुल तय दूरी कितनी होगी, यहां हम इसको, क्योंकि दूरी पे हमने पहले भी विचार किया था, दूरी जो थी क्या थी, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई। तो यहां पर हमें दिशा को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सारी लंबाई को जोड़ लेंगे जो कि पूरे रास्ते में तय की गई है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस प्रकार हम देखते हैं 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और फिर से 5 किलोमीटर। तो ये 15, 10, 20, 25 और 5, टोटल हमारी 30 किलोमीटर दूरी तय होती है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं या देख सकते हैं, बहुत सरल तरीके से गणना कर सकते हैं, कि इन चारों चरण में यानी बिंदु ए से गति प्रारंभ करके बी सी डी से होते हुए पुनः ए तक पहुंचती है जब वस्तु, तो कुल मिलाकर वह 30 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो
दूरी की गणना हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम अगले चरण में इसी गति के लिए यानी ए से ए तक की गति के लिए ही विस्थापन की अगर गणना करें तो देखिए क्या होता है। विस्थापन की गणना करने से पहले पुनः हमें विस्थापन को एक बार रिकॉल करना होगा। विस्थापन की जो पिछले सत्र में हमने बात की थी कि विस्थापन क्या है, गति के प्रारंभिक बिंदु से गति के अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। यहाँ पे सीधी दूरी हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि विस्थापन की गणना करते समय हमें दिशा को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इसलिए गणितीय समस्या को सरल करने के लिए हम पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन अगर हम देखें तो गति का प्रारंभिक बिंदु ए है और ए से ए तक की सीधी दूरी, जिसको हम दूरी ए ए ही कह सकते हैं। और अब बिंदु ए है तो ए से ए तक की कुल दूरी क्या होगी, एक ही बिंदु से उसी बिंदु तक की कुल दूरी क्या होगी, शून्य हो गई। तो इसलिए हम इसे सीधे लिख सकते हैं कि ये दूरी क्या होगी, जीरो। तो यहां देखिए इस उदाहरण में इतनी पूरी गति के दौरान चार चरणों में गति हुई और चार चरणों में गति के दौरान जब दूरी निकल के आई, दूरी तो वस्तु 30 किलोमीटर तय करती है, लेकिन वहीं उसी गति में समान प्रक्रिया में विस्थापन क्या है, शून्य। तो जो प्रश्न मैंने शुरू में उठाया था कि क्या गति के दौरान विस्थापन शून्य भी हो सकता है, तो उस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया होगा कि हाँ, अगर वस्तु की दिशा बदल रही है और वस्तु गति करते करते अपने पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट कर आ जाती है तो विस्थापन उसका शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी किसी भी अवस्था में शून्य नहीं हो सकती। दूरी शून्य तभी होगी अगर वस्तु गति करेगी ही नहीं, यानी अगर वो बिंदु ए पर थी और ए से चलना प्रारंभ ही नहीं करती और ए पर ही स्थित रहती है तो दूरी शून्य हो सकती है। लेकिन विस्थापन गति के बाद या गति के प्रारंभ करने के बाद, गति के प्रारंभ करके और अंत होने के बाद भी अगर वस्तु क्या है, विभिन्न बिंदुओं से घूमती हुई पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। इसी चीज को एक और उदाहरण के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए ये एक वृत्ताकार मार्ग है जिसका केंद्र O है और इस मार्ग पर कोई वस्तु बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है और पूरे वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाते हुए फिर ए तक पहुंच जाती है। इस दौरान मैं कुछ बिंदु तय कर लेता हूं ए बी सी और फिर से ए पर वस्तु पहुंच जाती है। इस वाले केस में भी हम फिर से दूरी और विस्थापन की गणना करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि बिंदु ए से ए तक की गति के लिए, बिंदु ए से ए तक की गति, ए से ए तक की गति को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वृत्त के मार्ग पर पूरा एक चक्कर लगाने में आप देख रहे होंगे कि अगर हम ए से चलते हैं, बी सी से होते हुए पुनः ए तक पहुंच रहे हैं, तो वो वस्तु क्या कर रही है, इस वृत्ताकार मार्ग पर एक अपना पूरा चक्कर कर ले रही है। तो इस पूरे चक्कर के दौरान अगर हम दूरी की बात करें तो फिर से हमें दूरी की परिभाषा को विचार करना पड़ेगा कि दूरी क्या है, तय किए गए मार्ग की पूरी लंबाई। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तय किया गया जो मार्ग है वो वृत्ताकार मार्ग है और इसकी जो पूरी लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वृत्त की परिधि। परिधि का सामान्य सूत्र प्रयोग करके हम इसकी गणना कर सकते हैं। परिधि होती है 2 पाई आर। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो आर है वो 14 किलोमीटर है या 14 मीटर है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इसे हम आसानी से गणना कर सकते हैं। 2 पाई का मान क्या होता है, 22/7, और आर यहाँ पे हमने 14 लिया है, इसको हम सरल करके इसकी गणना कर सकते हैं। तो हमने इस केस में देखा कि अगर वृत्ताकार मार्ग पर वस्तु पूरा एक चक्कर लगा ले रही है तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु द्वारा जो तय दूरी है वो दूरी कितनी है, 88 मीटर निकल के आती है, जो कि इस वृत्त की परिधि के बराबर है। अब इसी गति के लिए, इसी केस के लिए हम यहाँ पे विस्थापन की अगर गणना करें तो देखते हैं क्या मिलता है। विस्थापन
बिंदु ए से ए तक की गति के लिए क्या होगा? तो विस्थापन की परिभाषा पुनः वही है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, यानी ए से ए तक की दूरी। जिसको हम सीधा ए ए लिख सकते हैं, और ए से ए तक की दूरी हम देख रहे हैं कि बिंदु ए है, इससे ए तक की दूरी अगर हम नापें तो क्या होगी? शून्य होगी। तो इस केस में भी हम पाते हैं कि विस्थापन क्या है? 0 मीटर है। यहाँ पे हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि विस्थापन भले ही यहाँ पे शून्य है, लेकिन उसका मात्रक लिखना आवश्यक है, क्योंकि ये अपने आप में एक भौतिक राशि है, और भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसको लिखना जरूरी है, उसको हम जरूर लिखेंगे। तो इन दोनों केस में हमने, इस एक केस में दोनों राशियों की गणना हमने की, दूरी की और विस्थापन की। तो हमने देखा कि दूरी और विस्थापन में अंतर आया, और विस्थापन क्या शून्य हो सकता है, ये जो प्रश्न मैंने उठाया था उसका उत्तर भी मिले हमें मिला कि हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, जबकि दूरी 88 मीटर है लेकिन विस्थापन शून्य है। अब ये दो केस हैं जिनमें हमने अभी देखा कि विस्थापन शून्य निकल कर आया, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि दूरी तो और विस्थापन में कोई भी शून्य ना हो और दोनों के मान अलग अलग हो? तो एक केस पर हम और विचार करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लिया कोई वस्तु बिंदु P से गति प्रारंभ करती है और Q तक आरंभ पहले चरण में चलती है। इसके पश्चात Q से अपनी दिशा बदलते हुए वस्तु आर तक चलती है, और इस केस में पी से आर तक की गति को हमने कंसिडर करना है, और हम मान लें कि यह चली गई दूरी 4 किलोमीटर पी से क्यू तक की है, और फिर क्यू से आर दिशा में वो दूरी चलती है 3 किलोमीटर। अब हम इस केस में या इस चित्र के हिसाब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पी से आर तक की गति के लिए उस वस्तु ने दूरी कितनी तय की और विस्थापन कितना हुआ? क्या ये विस्थापन भी शून्य होगा? तो आइए इसको गणना करके देखते हैं। तो बिंदु P से R तक की गति के लिए तय की गई दूरी, दूरी की जब हम बात करेंगे तो दूरी में हमें दिशा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिशा को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सीधे हम क्या कर देंगे, तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को जोड़ लेंगे। दूरी क्या हो जाएगी? पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी पी क्यू आपका 4 किलोमीटर था, क्यू आर 3 किलोमीटर था, तो दूरी कितनी आई? 7 किलोमीटर। मैं समझता हूँ दूरी की गणना करने में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई ही दूरी कहलाती है। इसके पश्चात अगर हम इसी केस के लिए विस्थापन की गणना करें तो देखते हैं क्या होता है, क्या इस केस में भी विस्थापन शून्य है या दूरी के बराबर है या कुछ और है? तो आइए गणना करके देखते हैं। विस्थापन P से R तक की गति के लिए क्या होगा? P से R तक की गति के लिए जब हम विस्थापन की गणना करेंगे तो विस्थापन की परिभाषा पर फिर से विचार करें कि विस्थापन क्या है? गति के प्रारंभिक बिंदु से गति के अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। यहाँ पर गति का प्रारंभिक बिंदु P है और गति का अंतिम बिंदु R है। तो जब हम बात करेंगे सीधी दूरी की, तो हमें वो किस मार्ग से वस्तु आई, किस मार्ग से चली, इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिशा बदल रही है, इसलिए हमें सीधी दूरी लेनी है विस्थापन की गणना करने के लिए, और वो सीधी दूरी क्या होगी? हम P से R को सीधा मिला दें। तो ये जो P R दूरी आई है, ये विस्थापन को यहाँ पे प्रदर्शित करेगी। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? बिंदु P से R तक सीधी दूरी, जिसको हम कह सकते हैं पी आर दूरी। अब इस पी आर दूरी की गणना हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पी क्यू तो पता है, क्यू आर पता है, लेकिन पी आर पता नहीं है। पी आर की गणना हम सामान्य गणितीय तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो बन रहा है एक तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में
ये पी क्यू लंब है, क्यू आर इसका आधार है, और पी आर क्या है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो होता है वो उसका कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के वर्गमूल के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो हम इसको लिखते हैं पी आर बराबर क्या होगा, वर्गमूल पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी क्यू हमारा 4 है तो 4 का वर्ग प्लस क्यू आर 3 है, 3 का वर्ग। इसको हम हल कर सकते हैं, ये 16, 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का जो वर्गमूल आया वो 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विस्थापन जो आया वो हमारा आया 5 किलोमीटर, इस बार शून्य नहीं आया। तो हमने अलग अलग इन परिस्थितियों के लिए अलग अलग विचार किया कि दूरी और विस्थापन के मान एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। कब बराबर हो सकते हैं, अगर वस्तु गति के दौरान अपनी दिशा को कभी भी परिवर्तित नहीं करती है, यानी एक ही दिशा में गति करती है, तो दूरी और विस्थापन का मान समान रहेगा। कुछ परिस्थितियों में हमने ये भी पाया कि विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी शून्य नहीं होती है। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, कि जबकि वस्तु क्या है, विभिन्न मार्ग पर चलती हुई या अलग अलग दिशाओं को बदलती हुई अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट कर आ जाती है, तो पूरी गति के दौरान विस्थापन शून्य हो जाता है जबकि दूरी तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई के बराबर ही रहती है। और अगर दिशा गति की बदलती है गति के दौरान लेकिन वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर लौट कर नहीं आती है, तो दूरी और विस्थापन के मानों में अंतर भी आ जाता है, यानी अलग अलग मान हो सकते हैं, विस्थापन का मान शून्य नहीं होगा। तो इन सब परिस्थितियों पर विचार करके, इन गणनाओं को करने के बाद हमें दूरी और विस्थापन में अंतर काफी हद तक स्पष्ट हो चुका होगा। इसलिए आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं और पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को इसके आधार पर हल भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या गति एक समान तरह की होती है या असमान गति भी होती है। तो उसके हम एक सारणी के सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि समान गति और असमान गति क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सारणी, इस सारणी में तीन स्तंभ बने हैं। पहला समय है, दूसरा है वस्तु ए द्वारा तय दूरी, वस्तु बी द्वारा तय दूरी। इन तीन स्तंभों में मैं इनकी पूर्ति कर रहा हूं। मान लिया यहाँ पर तीनों स्तंभों में क्या दिखाई दे रहा है, पहले स्तंभ में हम समयांतराल ले रहे हैं कि 8 बजे वस्तु ए जो थी वो उसने क्या किया कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। अपनी गति प्रारंभ करने के बाद हमने कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है, दो वस्तुएं हैं वस्तु ए और वस्तु बी, दोनों वस्तुएं एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं और 8 बजे हमने उनका टाइम ठीक 8 बजे नोट किया कि वस्तु ए कितना चल चुकी है, उसने कितनी दूरी तय करी और वस्तु बी कितनी दूरी तय कर चुकी थी। तो हमने देखा कि ठीक 8 बजे तक वस्तु ए 10 किलोमीटर दूरी चल चुकी थी और वस्तु बी भी 10 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी थी। लेकिन जब हमने 10 मिनट बाद फिर से अवलोकन किया तो 10 मिनट बाद हम क्या देखते हैं कि वस्तु ए के द्वारा तय की गई कुल दूरी अब तक 20 किलोमीटर हो चुकी है और वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी 30 किलोमीटर हो चुकी है। इसी तरह से
हमने 8:20 पर यानी अगले 10 मिनट के बाद फिर से अवलोकन किया तो वस्तु ए द्वारा तय दूरी कितनी हो चुकी है? कुल दूरी 30 किलोमीटर तय कर चुकी है, जबकि वस्तु बी कुल दूरी 60 किलोमीटर तय की गई। और फिर 10 मिनट बाद यानी 8:30 बजे फिर अवलोकन किया तो ये देखा गया कि वस्तु ए 40 किलोमीटर की कुल दूरी तय कर चुकी है और वस्तु बी 100 किलोमीटर की कुल दूरी तय कर चुकी है। इन दोनों वस्तुओं की गति के दौरान तय की गई दूरियों में हम क्या विशेषता देखते हैं? तो अगर हम वस्तु ए के लिए देखें तो वस्तु ए के लिए पहले 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले 10 मिनट में वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली। 8 बजे से 8:10 के दौरान वस्तु पहले 10 किलोमीटर चल चुकी थी और 10 किलोमीटर के बाद वो 20 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसका मतलब तय दूरी कितनी है? 20 माइनस 10 यानी 10 किलोमीटर। ऐसे ही दूसरे 10 मिनट की अगर हम बात करेंगे, दूसरे 10 मिनट में तय दूरी 30 माइनस 20 यानी 10 किलोमीटर। तीसरे 10 मिनट में तय दूरी 40 माइनस 30 यानी 10 किलोमीटर। यहां पर क्या स्पष्ट हो रहा है? यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु प्रत्येक 10 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रही है। यानी वस्तु के द्वारा हर समान समयांतराल में तय की गई दूरी बराबर है। तो अगर इस प्रकार की गति कोई वस्तु कर रही है कि वह एक समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है, तो वस्तु की गति को हम समान गति कहते हैं। इसी तरह से अगर हम वस्तु बी के लिए देखें तो वस्तु बी के लिए पहले 10 मिनट में कितनी दूरी तय की है? 30 माइनस 10 यानी 20 किलोमीटर। दूसरे 10 मिनट में 60 माइनस 30 यानी 30 किलोमीटर। और तीसरे 10 मिनट में 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर। यहां पर भी देखते हैं हम कि समयांतराल तो समान है, यानी 10-10 मिनट का ही अंतर है, लेकिन प्रत्येक 10-10 मिनट के समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां बदल गई हैं। पहले 10 मिनट में 20 किलोमीटर, दूसरे 10 मिनट में 30 किलोमीटर और अगले 10 मिनट में 40 किलोमीटर। तो यहां पर बी वस्तु की गति, क्योंकि समान समय में समान दूरियां तय नहीं की गई हैं, तो इसको हम कहेंगे असमान गति। तो हम कह सकते हैं कि समान समय में यानी समान समयांतरालों में समान दूरियां तय की जाती तो वस्तु की गति समान गति होती है, और अगर समान समयांतरालों में वस्तु अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति होती है। तो इस तरह हम समान गति और असमान गति के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को समझ सकते हैं। और इसके आगे की जो बात है, गति की दर का मापन किस तरह से करते हैं, गति में और क्या है, ये हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे।